नमस्ते जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेकी बॉक्स बनाना सिखाऊंगा, विश बॉक्स भी कहते हैं इसे। तो रेकी बॉक्स कैसे बनता है, क्या उसके सहज और सरल तरीके हो सकते हैं, कैसे हम इसे घर पर ही बना सकते हैं, और किन-किन तरीकों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितना इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कहाँ-कहाँ हम खुद के लिए और दूसरों के लिए विश लिख करके समाज का भला कर सकते हैं, तो आइए सीखते हैं। एक बात कहूँ, एक दैनिक आधार पर रेकी का प्रयोग करने का सबसे आसान और जादुई तरीका है विश बॉक्स, रेकी बॉक्स। इसका उपयोग आप अपने और दूसरों के भलाई के लिए कर सकते हैं, और कई लोगों को एक साथ हील कर सकते हैं, कई लोगों की एक साथ परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसको बनाने का जो तरीका है बहुत आसान हो सकता है। आप घर का कोई एक बॉक्स उठा लीजिए, आप जैसे कि जूते का बॉक्स होता है वैसा कोई बॉक्स उठा लीजिए, कोई भी पुराना डब्बा उठा लीजिए, और उन डब्बों को विश बॉक्स की तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे देखो बेटा, समझना, विश बॉक्स यहाँ पे एक रेकी बॉक्स रखी हुई है जिसको प्रॉपरली कारपेंटर के द्वारा बनवाया गया है। लकड़ी का एक डब्बा है जिसके अंदर, जिसके बाहर रेकी के सारे सिंबल्स बने हुए हैं, और अंदर दर्पण लगे हुए हैं, मिरर्स लगे हुए हैं। रेकी बॉक्स का जो मूलभूत घटक है वो है अंदर में लगे हुए दर्पण और लाल रंग के इसकी पोताई, और इससे और ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बना देता है ये पिरामिड। अब आप घर पे अगर विश बॉक्स बनाते हैं तो कोई भी एक ऐसा चौकोन डब्बा ले लीजिए, पिरामिड नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं है, अंदर आपको मिरर लगा लेना है। आप दर्पण, छोटे छोटे दर्पण लेकर के भी आप चारों कोने में चिपका देते हैं तो भी आपका काम पूरा हो चुका है, क्योंकि ऊर्जा मिरर के द्वारा ही रिफ्लेक्ट होती है। अब समझना बेटा कि अगर आप एक टॉर्च लेके दर्पण पे मारेंगे तो क्या होगा, वो टकरा करके किसी और दिशा में जाएगा, और उसी दिशा में अगर फिर से दर्पण लगा दिया तो वो टकरा करके फिर किसी दूसरी दिशा में जाएगा। जहां से प्रकाश शुरू हुई है, अगर उसके सही एंगल पे दर्पण लगा दिया जाए तो प्रकाश टकरा करके सिर्फ घूमती रह जाएगी, मतलब कि वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, मतलब कि वो ऊर्जा उसी डायरेक्शन में वहीं घूमती रहेगी, जिससे शक्ति बढ़ती रहेगी, और जो भी अफर्मेशन आपने दिए हैं, जो भी विश डाले हैं, वो बहुत जल्दी पूरा होगा। आप यही चीज अपने बटवे में भी कर सकते हैं, अपने वॉलेट में भी कर सकते हैं, इसे भी विश रेकी बॉक्स विश बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको। वैसे नॉर्मली मैंने एक विश बॉक्स के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, घर पे बनाने के लिए, कुछ सस्ते तरीके से बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है वही बताया। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो रेडीमेड विश बॉक्स है इसका इस्तेमाल कैसे होगा। बेटा देखो, ये खुला, इस पर आपने एक विश लिखी, कोई भी विश, चाहे वो रिलेशनशिप से जुड़ी हो, चाहे वो फाइनेंस से जुड़ी हो, चाहे वो अपने कैरियर से जुड़ी हो। मैं मानता हूँ कि फाइनेंस से जुड़ी हुई एक विश है जिसमें आप लिखते हैं अफर्मेशन कि मैं सुख समृद्धि के योग्य हूँ, या मैं अपने जीवन में ये सुख समृद्धि पा रहा हूँ, या जीवन में इतने रुपए का मेरा इनकम हो चुका है या हो रहा है। विश के फॉर्म में लिखना, हो चुका है, हो रहा है, होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में लिखो, विश के फॉर्म में लिखो कि मुझे ये चीजें चाहिए, मैं अपने जीवन में ये करना चाहता हूँ, है ना। तो किसी भी फॉर्म में लिखना, बस आपको यकीन होना चाहिए, वो मटेरियलिस्टिक फॉर्म हो चाहे स्पिरिचुअल फॉर्म हो, आपको ये यकीन होना चाहिए, आपको वो समझ में आना चाहिए कि मैं 50,000 रुपये महीने का इनकम कमा रहा हूँ, ये आपके मन को यकीन होना चाहिए, या मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, ये आपके मन को यकीन होना चाहिए। तो जिस चीज पर आप यकीन करेंगे वो चीज पूरी होगी। या आप रिलेशनशिप के लिए अगर कोई हीलिंग करते हो, रिलेशनशिप के लिए कोई विश बनाते हो कि मेरा विश है कि मैं अपने जीवन में ऐसा पार्टनर, खूबसूरत पार्टनर, जिसकी हाइट ऐसी हो, जिसका हेल्थ ऐसा हो, जो ऐसा पढ़ा लिखा हो, जो इस तरह का काम करता हो, जो मुझे बहुत प्रेम करता हो, है ना। बहुत सुनने में ऐसा लग रहा है ना, कितना सेल्फिशनेस लग रहा है, कितना मटेरियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन हम सबके विश ऐसे ही होते हैं।
तो अपने विश को रखने में जरा भी ना शर्माएं, बिल्कुल खुल करके अपने विश को रखें। अब समझते हैं वो तरीका कैसे होगा। मान लेते हैं आपने इस कागज में अपने विश को लिखा, आपने या किसी और के लिए विश लिखा, उसे फोल्ड, कोई सिंबल बनने की जरूरत नहीं क्योंकि इस बॉक्स में पहले ही सिंबल बने हैं। लेकिन आप नॉर्मल ऐसे बॉक्स को अगर आप बनाते हैं तो उसमें सिंबल जरूर बनना, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो पर बनाया बताया हुआ है। आपने लिखा और उससे रख दिया, किसमें, अपने बॉक्स में, चारों तरफ मिरर्स लगे हुए हैं, आपने रख दिया। अब समझना, अब आपने इसे अपने हाथों में रेकी कॉलिंग करी, अगर आप रेकी हीलर हैं तो, अगर आप रेकी हीलर नहीं हैं, आप एक आम जन हैं, तो केवल प्रार्थना कर लीजिए, प्रार्थना करिए और उसे बताइए ऐसे हाथों में रख करके कि जो भी आपका परमिशन है, कि मैं एक खूबसूरत रिश्ते में हूँ, या मैं धनी हो रहा हूँ, या मैं समृद्धि को प्राप्त हो रहा हूँ, या मैं सेहतमंद हो रहा हूँ, मैं सेहतमंद हो रहा हूँ। तो ये आपको पूरे 11 मिनट, देखो बेटा समझना, मैं आज तक जब भी कोई हीलिंग बताया हूँ तो 3 मिनट कहा है मैंने, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम 11 मिनट देते हैं। 11 मिनट तक एक ही हीलिंग देनी है, और जो भी आपने अफर्मेशन लिखा हुआ है, आप एक ही बात को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं कि मैं जीवन में धनी हो रहा हूँ, मैं प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त हो रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत सुख समृद्धि शांति आ रही है, मैं नए नए जीवन के नए नए सुखों को प्राप्त हो पा रहा हूँ, मैं मटेरियलिस्ट, मैं भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्ध हो रहा हूँ। ऐसे अफर्मेशन को आप एक ही बात को दूसरे दूसरे तरीके से आप लिख करके, लेकिन अफर्मेशन में आप उसको दोहराएंगे 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 दोहराएंगे। और अगर आप रेकी हीलर हैं तो आप बिल्कुल इस तरीके से आप उसे हीलिंग देंगे, क्योंकि आपको मालूम है हीलिंग देने का तरीका यही होता है ना। देन 11 मिनट ये पूरा होने के बाद आप एक फिर से छोटी सी पर्ची लेंगे और उस पर्ची में लिखेंगे धन्यवाद या फिर थैंक यू, और थैंक यू लिख करके उस पर्ची को इसमें रख देंगे। अब ये चीज़ आपको रोज़ करनी है। कितने दिनों तक करनी है? 45 डेज तक करनी है, केवल और केवल 45 दिन ही करनी है। चाहे विश पूरी हो चुकी हो या विश पूरी होनी अभी बाकी हो, आपको मालूम है दिख रही कि विश पूरी होने पर है, तो इस पेपर को 45 दिनों तक ही इस्तेमाल करनी है। 45 दिनों तक उसमें थैंक यू का भी पेपर जमा हो चुका रहेगा, सबको निकाल करके किसी सुरक्षित जगह पे अग्नि के हवाले कर दें, मतलब कि उससे बर्न कर दें, उसे प्रज्वलित करके, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके, उसे राख में बना करके, उसमें पानी डाल करके पौधे में विसर्जित कर दें। अब क्या होगा 45 दिनों के बाद? अगर वो विश पूरी होनी अभी बची हुई है, अभी खत्म, उसका पूरा, वो पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया, तो उसी चीज़ को फिर से लिखेंगे और फिर से नई शुरुआत करेंगे। अगर विश पूरी हो चुकी है तो दूसरे विश की शुरुआत कर सकते हैं, और यही तरीका होगा। बेटा आपको एक चीज बता देता हूं कि पहली बार ही आपको ये रास्ता थोड़ा अनजाना, थोड़ा अजीब, थोड़ा कठिन लग सकता है। जैसे ही पहली बार आपने इस रास्ते को पार कर लिया, ये रास्ता आपको सुगम और सहज लगने लगेगा। हर बार, हर 45 दिन के बाद आपको ये रास्ता और आसान लगेगा, और ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में एक जादू आ गया है। और ये विश बॉक्स भी ना, जितने बार इस्तेमाल होता जाता है उतने बार और शक्तिशाली होता जाता है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा बेटा कि ऐसे रेकी बॉक्स को आप किसी अच्छे हीलर से प्राप्त करें, जो अपने सिंबल से इन्हें हील करके दे। जो भी हीलर जितने भी लेवल को पार करा होता है, जितने भी विधाओं को सीखा होता है, वो अपने सारे सिंबल्स की ऊर्जा को अपने हाथों में लेकर इसे चार्ज करता है, और वो जब चार्ज करके देता है तो इसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप खुद एक हीलर हैं तो मैं आप लोगों को और एक रिकमेंड करूंगा बेटा कि जिस तरह का भी विश हो, अगर वो फाइनेंस से जुड़ा विश है तो उसमें पायराइट का एक पत्थर डाल दें। पायराइट का आप जीबू सिंबल भी डाल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि जीबू सिंबल बना हुआ है। पायराइट का अगर आपके पास कोई ब्रेसलेट है तो ब्रेसलेट को आप डाल दीजिए, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप को हील कर रहे हो तो रोज क्वार्ट्स के ये जो टम्बल्स होते हैं, टम्बल्स को डाल दीजिए, या रोज क्वार्ट का आपके पास कोई ब्रेसलेट होगा तो ब्रेसलेट को निकाल के उसमें डाल दीजिएगा,
ठीक है, रोज क्वार्ट्स के पत्थर इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नॉर्मल कोई मेटलिस्टिक विश है अपने या किसी और के लिए, तो आप क्लियर क्वार्ट्स डालें। नॉर्मल क्लियर क्वार्ट्स, जिसे हम स्फितिक कहते हैं, स्फितिक का टंबल डाल सकते हैं, या स्फितिक का आपके पास कुछ भी हो, श्रीयंत्र हो, शिवलिंग हो, कोई भी स्फितिक को आप उसमें डाल सकते हैं नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी होती है, तो हम उसे अपने मंदिरों से नहीं उठाना चाहते। भगवान शिवलिंग को तो बिल्कुल भी हम उठा के विश बॉक्स में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी आस्था है कहीं ना कहीं हम परमात्मा को उस रूप में उसमें पूज रहे, तो ऐसे ही उठा के तो नहीं डालेंगे। तो टम्बल्स गुड है। या अगर आपके पास आपके ब्रेसलेट में, किसी भी ब्रेसलेट में अगर कोई भी क्लियर क्वार्ट्स है, तो आप उस क्लियर क्वार्ट्स को अपने डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने विश बॉक्स की शक्ति को बढ़ाएंगे। अगर आपके पास ऐसा वाला विश बॉक्स है, मनी बॉक्स भी कहते हैं इसे, ऐसा वाला अगर रेकी बॉक्स है, तब तो फिर आपको क्रिस्टल्स की खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप घर पे ऐसा कुछ बनाएं, तो आपको क्रिस्टल्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और रिजल्ट बहुत तेज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। तो साथियों, आज हमने सीखा रेकी बॉक्स बनाना। अब हम सीख तो चुके, इसमें एक बहुत ज़रूरी बात सामने ये आती है कि कौन से रंग के पेन से लिखें और कैसे कागज़ों से लिखें। बेटा, कागज बिल्कुल सफ़ेद या हल्का गुलाबी हो सकता है, गुलाबी होने से सुंदर हो जाता है। कागज पतला कागज ना लिया करके, ड्राइंग शीट जैसा पेपर लीजिएगा, थोड़ा जो मोटा होता है, हल्का जो मोटा होता है वैसा कागज हो, और पेन स्याही हरे रंग का ही इस्तेमाल करना। हरे रंग के स्याही से ही विश लिखी जाती है और उससे ही विश पूरी की जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे मेटेरियलिस्टिक कोई रिलेशन विश हो, या फिर मनी से रिलेटेड कोई विश हो, आप हरे पेन से ही लिखेंगे। तो दोस्तों, आज हमने विश बॉक्स, मनी बॉक्स या रेकी बॉक्स का प्रयोग करना सीख लिया। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते। है जी।